Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, as you know, your exams are coming near. So, nowadays, work hard. Today we will revise noun, singular and plural. Singular, what is singular? Singular, a noun that denotes one person, animal, place, something is in the singular number. एक चीज जितने भी नेम है वो सारे नाउन्स में आते हैं और वन जैसे काउ और काउस तो काउ जो है वो सिंगुलर है यानी कि वन पर्सन वन एनिमल वन प्लेस इनको हम क्या कहते हैं सिंगुलर इट मीन्स वन अ चाइल्ड चाइल्ड कितने हैं आ स्टूडेंट्स हम सिंगुलर के पहले आ भी यूज करते हैं एन भी यूज कर सकते हैं तो अ चाइल्ड प्लेस विद अ बॉल प्लूरल क्या होता है अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन थिंग प्लेस और इज इन द प्लूरल नंबर जो नाउन एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करे एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताए उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं द चिल्ड्रन अब ये वन चाइल्ड है एक चाइल्ड है और ये चिल्ड्रन मैनी चिल्ड्रन है प्ले विद बॉल्स ओके फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन अब हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करें ये बताएंगे बाय एडिंग एस एस ऐड करके फर्स्ट है अ बुक बुक्स ओनली एस ऐड करके लायन लायंस नाउ एडिंग ईएस ईएस यूज करके बेंच बेंचेस ईएस यूज किया सीएच अब इसमें सीएच भी यूज करके बुश सॉरी बस बसेस ईएस यूज करके फॉक्स फॉक्सेस ईएस यूज करके ओके नेक्स्ट पॉइंट थर्ड नाउन एंडिंग इन जीरो मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ हो ओ नहीं जीरो नहीं है ओ हो तो उसमें क्या ऐड करेंगे ईएस लाइक जीरो जीरो में क्या यूज किया लास्ट में ईएस मैंगो मैंगो में क्या यूज किया ईएस ओके नेक्स्ट इज नाउन एंडिंग इन एफ और एफ यदि लास्ट में किसी वर्ड के एफ हो जैसे थीफ तो क्या यूज करेंगे आई वी ई एस यूज करेंगे टी एच आई ई वी ई एस यूज किया एफ को रिमूव करके वी ई एस यूज किया ओके इन सम केसेस कुछ केसेस में क्या होता है एफ लास्ट में होता है बट हम क्या करते हैं ओनली एस यूज करते हैं जैसे बिलीफ बिलीव्स ड्वार्फ ड्वार्फ्स ओके हम वी ई एस यूज नहीं करते ये कुछ केसेस में है ओनली नाउन एंडिंग कॉन्सोनेंट बाय अगर लास्ट में किसी वर्ड के बाय है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे आई ई एस जैसे फैमिली तो फैमिलीज एफ ए एम आई एल बाई को रिमूव करके आई ई एस फैमिलीज स्टोरी स्टोरीज आई ई एस बट वेन बाई हैज वोवल बिफोर इट बट जब बाई के पहले अभी की है तो ये क्या है वोवल है इसके बाई के पहले तो उसमें हम ओनली क्या यूज करेंगे सिंगल एस यूज करेंगे इन सम केसेस वर्ड्स आर चेंज कुछ केसेस में वर्ड्स पूरे ही चेंज हो जाते हैं जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन वुमेन विमेन मैन मैन लव्स लाइक्स सम नाउन्स डू नॉट डिफर इन सिंगुलर एंड प्लूरल कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में डिफर नहीं होते डियर डियर सेम रहेगा फिश फिश सेम रहेगा ओके नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल ही होते हैं जैसे कि जींस आप कभी जीन नहीं बोलते ना जींस बोलते हैं फिश आप कभी फिशेज नहीं बोलते फिश बोलते हैं ओके तो नाउन्स देखेंगे नाउन्स आर ऑफ फोर काइंड्स नाउन क्या होता है नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग प्लेस पर्सन और एन आइडिया तो नाउन की डेफिनेशन तो ये हुई अब कितने काइंड्स के होते हैं नाउन कॉमन नाउन क्या होते हैं जैसे कि बॉय और पेंसिल प्रॉपर नाउन
मोहन राज, यानी कि कॉमन नाम हुए, जैसे कि गर्ल। अब गर्ल का कोई नाम नहीं है, जितने भी गर्ल्स हुई सब कॉमन नेम जो भी होते हैं, जैसे कंट्री। तो अब कंट्री तो बहुत सारे हैं, अगर हम इंडिया कहें तो प्रॉपर नाम हो जाएगा। कंट्री तो बहुत सारे हैं, बॉयज भी बहुत सारे हैं, मीन्स बॉयज सब बॉयज है। तो बॉयज को क्या कहेंगे, बॉय किसी एक बॉय का नाम अगर हमने लिया कि रमेश, तब हुआ प्रॉपर नाम। अदरवाइज टू कॉमन अगर हम कह रहे हैं बॉयज कम हेयर, तो ये कॉमन हो गया, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम है, ओके, जैसे इंडिया तो ये नाम हो गया, नेपाल ये नाम हो गया, फिर हमने कहा ग्वावा तो ये भी नाम हो गया, रमेश ये नेम है। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या है, प्रॉपर नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन फील ओनली। जैसे लव, आपने लव को देखा है, नहीं, लव क्या है, जिसे हम फील कर सकते हैं कि माँ अपने बेटे से प्यार कर रही है या माँ अपने बेटी से प्यार कर रही है, दिस इज लव। हेट जब हम नफरत, गुस्सा करते हैं किसी से, नफरत करते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता ना, ओनली हम उसको फील कर सकते हैं कि इसके मन में गुस्सा है। कलेक्टिव नाउन होते हैं आप कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, कलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ पीपल थिंग्स प्लेस को कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच, बंच में बंच ऑफ कीज, बहुत सारी चाबियां हो गई बट उसको हमने एक नाम दे दिया बंच। तो जेंडर, अब जेंडर क्या होते हैं, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। अब जेंडर क्या है, नाउन को हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग। नंबर वन इज मैस्कुलिन जेंडर, जो रेफर टू ऑल मैन, जैसे कि मैन मीन्स किंग, मैन, सन, ब्रदर, जो फी मेल की कास्ट में हो, जो मेल को रेफर करें जितने भी। अब फेमिनिन, जो फीमेल को रेफर करें, सिस्टर, क्वीन, इसमें सारे लेडीज जो कास्ट में आती हैं वो आ जाती है, जैसे गोट, काउ, एनिमल हो या पर्सन हो। कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर में जैसे टीचर, अब किसी भी कोई भी टीचर हो सकता, टीचर तो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, डॉक्टर, डॉक्टर में लेडी और जेंट दोनों हो सकते हैं, कुक, कुक भी लेडी और जेंट्स हो सकते हैं, मेल मेल फीमेल हो सकते हैं, पायलट भी मेल और फीमेल हो सकते हैं, इंजीनियर भी मेल और फीमेल होते हैं। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात करें, तो बुक, पेन, कार, हाउस, फोन, टीवी, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो न्यूट्रल जेंडर होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका नाउन, नाउन के सिंगुलर प्लूरल जेंडर, ये आई हैव डन फॉर यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। स्टे होम, स्टे सेफ।